वक्त ख्वाजा सरा नायाब अली ने हमें ज्वाइन भी किया है, उनसे मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नायाब, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम टू माय शो। सबसे पहले तो मुझे बताएं, हम तो बड़े बड़े जो सियासतदान हैं उनके लिए देखने के कितना मुश्किल हो गया है कागजात नामजद की जमा करवाना, क्योंकि बहुत से लोगों के तो कागजात नामजद के मुस्तरद भी हुए हैं। आपके लिए प्रोसेस जो था ये कितना मुश्किल था? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए, और सेकेंडली देखें प्रोसेस कोई भी हो वो आसान नहीं होता, और मेरे लिए भी इट वाज वेरी चैलेंजिंग कि जब मैं नॉमिनेशन पेपर लेने के लिए गई मेरी तो मुश्किलात वहाँ से ही शुरू हो गई। बल्कि मैं ऐसे कहूँगी कि जो प्री रिक्विजिट्स पूरे करने थे वो इतने मुश्किल थे कि आपने कोई 50 चीज़ें साथ में अटैचमेंट के तौर पर लगानी थी। फिर उसके बाद मैं जब नॉमिनेशन पेपर लेने के लिए गई तो रिटर्निंग अफसर ने मुझे कहा कि मैडम हम आपको नॉमिनेशन पेपर नहीं दे सकते। मैंने कहा क्यों नहीं आप दे सकते? ही सेड कि आप ख्वाजा सरा हैं इस वजह से नहीं दे सकते। और फिर मैंने उसके ऊपर एहतजाज किया, वीडियो अपलोड की जिसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर ने इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल जी ख्वाजा सराओं को भी नॉमिनेशन पेपर दे सकते हैं। तो जिसके बाद मुझे नॉमिनेशन पेपर जारी हुए और फिर उसके बाद लेकिन उसके बाद फिर प्रोसेस ज़रा थोड़ा सा स्मूथ रहा और मेरे दोनों हलकों से NA 46-47 से कागजात नामजद की मंजूर भी हुए, और अभी कल ही उसके ऊपर एतराज़ भी एक लग गया है उसकी मंजूर होने वाले फैसले के ख़िलाफ़। लेकिन आई एम वेरी होपफुल कि आगे वाला जो मरहला है वो आसान रहेगा। सही। अच्छा नायाब, आपकी कम्युनिटी की क्या एक्सपेक्टेशन है? बिकॉज ऑफ कोर्स हम यहाँ पे देखते हैं कि पाकिस्तान में जो हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है दे हैव टू सफ़र अ लॉट, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ बहुत सारी जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है, उनके लिए वो मौके रोज़गार के मौजूद ही नहीं होते जो कि होने चाहिए, जो बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक में मौजूद हैं। तो आपका क्या, जो अगर मैं मंशूर कहूँ तो आपका क्या मंशूर है? देखिए आपके सवाल के दो हिस्से हैं। सबसे पहले तो मैं ख्वाजा सरा कम्युनिटी की बात करूंगी। यू राइटली सेड के बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक बेसिक सोशल प्रोटेक्शन जो कि फैमिली की तरफ से होनी चाहिए ख्वाजा सरा बच्चों को वो नहीं मिलती। और मैं भी 13 साल की थी जब मेरे वालदैन ने मुझे डिसऑन कर दिया था। इसी तरीके से मेरे दूसरे ख्वाजा सरा साथी जो कि हमारी कम्युनिटी मेजॉरिटी के पेरेंट्स जो हैं वो उसको डिसऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से बेसिक जो फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन है वो हम नहीं हासिल कर पाते। तो उसके बाद फिर मुआशरे के जी बिल्कुल फिर अगर हम स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जाएं तो वहाँ पे सेफ़ इन्वायरमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी आइडेंटिटी को, हमारी शिनाख्त को जो निशाना बनाया जाता है। तो जब एक बेसिक मैं आपको कहूँगी एक बेस लाइन नहीं होती तो आप फिर आगे फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं कर सकते, आप डिसेंट एम्प्लॉयमेंट या डिसेंट आप जो लिविंग उसको नहीं इन्जॉय कर सकते। और साथ में पॉलिटिक्स जो है वो मैं कहती हूँ के आगे का कोई मरहला है। तो दूसरी तरफ आपने मंशूर की बात की तो मैं मंशूर भी आपको बताती चलूँ। देखें कि मैं इस वक्त जनरल सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ रही हूँ, और जनरल सीट का मकसद मतलब ये है कि मैं सिर्फ ख्वाजा सराओं की नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं अपने हलके के आवाम की भी नुमाइंदा हूँ। तो मेरा जो मंशूर है वो मंशूर में जहाँ पर ख्वाजा सरा कम्यूनिटी मेरी प्रायोरिटी है, चूँकि मैं खुद इस कम्यूनिटी से ताल्लुक़ है, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि इस्लाम बात का हलका है यहाँ पे अशराफिया और उसके साथ साथ गरीब आवाम दोनों के दोनों लोग इक्वल जो है वो आप कह लें कि रेशो पे रहते हैं। जब आप इस्लामाबाद को देखते हैं तो इस्लामाबाद को आपको बड़ा डेवलप्ड और बड़ा खूबसूरत और ऐसा शहर नज़र आता है जिसके अंदर दौलत की रेल पेल है, लेकिन वहाँ पर उसके गर्दोनवा में इतनी कच्ची आबादियाँ जो कि बेसिक फैसिलिटीज़ से महरूम है। तो मेरा जो फोकस है बेसिकली अक्सर आजाद उम्मीदवार जो है ना वो इलेक्शन जीतने के बाद कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, कहीं आपका ख्याल भी ऐसा तो नहीं? और आई एम श्योर कि आपको भी मुख्तलिफ पार्टी से कोई ना कोई ऑफर तो आई होगी।
देखिए ऑफर्स जाहिर बातें आ रही हैं, लोग रابطे कर रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट्स की बात हो रही है, क्योंकि मेरी जब सोशल मीडिया के ऊपर और हल्के के आवाम के अंदर पॉपुलैरिटी देख के बहुत से लोगों ने मुझे रابطा किया है, बहुत बड़ी बड़ी जमातों ने रابطा किया है, और फ्यूचर के अंदर भी कुछ अच्छी पोजिशन देने का भी वादा कर रहे हैं। लेकिन देखें द थिंग इज़ कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक हिस्ट्री क्रिएट करूँ और पहली ख्वाजसरा पार्लियामेंटेरियन बनूँ मुल्क पाकिस्तान की, जो कि पार्लियामेंट के अंदर बैठे और सही मायने में जाके अवाम की तर्जुमानी करे, क्योंकि हमारे जो रवायती सियासतदान हैं उनसे अवाम तंग आ चुकी है। तो मुस्तकबिल में मेरा कोई भी फ्यूचर पार्टी ज्वाइन करने का कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन हाँ, जो हमें ये वादा करेगा कि हमारे इंसानी हकूक़ की सरबुलंदी और हमारे मंशूर के साथ अलाइन करेगा, उसके वज़ीर आज़म के कैंडिडेट को ज़रूर वोट देंगे, लेकिन मैं अपनी जो है वो इंडिपेंडेंट हैसियत अगर मैं पार्लियामेंट में जाती हूँ तो मैं बरकरार रहूंगी। चलें, वेरी बेस्ट लक टू यू, क्योंकि आसान नहीं होगा। आई एम श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दरपेश होंगे, अभी तो आपने लोगों में जाना भी है वोट मांगने के लिए, सो बेस्ट ऑफ लक टू यू। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, हेडलाइंस ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मचाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और नया साल शुरू हुआ है। देखें, अब एक हफ्ता भी कंप्लीट होने वाला है और ये पहले हफ्ते का देखा जाए तो ये आखिरी शो है, और 2023 कैसे गुजरा और उसके बाद 2024 शुरू भी हो गया, और आज 5 तारीख है। दिन बड़े तेज़ी से गुजर रहे हैं, और इन तेज़ी से गुजरते हुए दिनों में जो हमारी मैच की सूरत हाल है, जो हमारे मैच की एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो 2023 हो 2024 हो, हमारी एक्सपेक्टेशन टीम से यही है कि जी आपने कैच ड्रॉप नहीं करने, आपने बहुत अच्छा खेलना है, आपने तू चल मैं आया वाली पॉलिसी नहीं अपनानी, और आपने जीत के आना है, क्योंकि 28 सालों से हम ये दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह पाक जब भी ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज़ हो तो पाकिस्तान कोई ना कोई मैच तो जीते ना। अब 3 जो टेस्ट मैचेस की सीरीज़ थी, 2 तो आपने देखा है कि इसमें हमारे साथ क्या हुआ, लेकिन जो तीसरा हो रहा है उसमें कहीं ना वो उम्मीदें पैदा हो रही हैं कि हो सकता है कुछ चीज़ें अच्छी हों। सिडनी टेस्ट के दूसरे रोज़ बारिश ने एंट्री दी, 44 ओवर्स का खेल ज़ाया हुआ, तीसरे रोज़ ऑस्ट्रेलिया की टीम 299 रन बना सकी और पाकिस्तान को 14 रन की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तानी स्लिप में कैच ड्रॉप करने की जो रवायत है वो भी बरकरार रखी, और फिर उसमें तो ये भी कहा गया कि लगता है कि वहाँ पे कोई आसेब है जिसकी वजह से ना वहाँ पे कैच ड्रॉप हो जाता है। साइम अयूब ने आसान कैच गिराया, फिर इनिंग में आमिर जमाल ने शानदार बैटिंग करके पाकिस्तान को 300 रन तक पहुँचाया, बॉलिंग भी शानदार रही, 6 उन्होंने शिकार किए, और दूसरे इनिंग के आगाज़ में पाकिस्तान की बैटिंग जो है मायूस कन रही। शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक 0 पर आउट हो गए, बॉलर्स मेहनत करते हैं, बैट्समैन मेहनत पर पानी फेर देते हैं, हाय हाय हाय, हमारे तो दुखी बहुत ज़्यादा पे। और इसी वाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा बड़ा स्पोर्ट्स हाफिज़ इमरान, और साथ में साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम यासिर, अस्सलाम वालेकुम इमरान, एंड वेलकम टू सुबह का समा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा यासिर, सबसे पहले तो आप, क्योंकि आप तो टेस्ट क्रिकेट खेल भी चुके हैं,